हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद। बचपन में कार्टून्स हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट रहे हैं। अगर आप 90s के दशक के हैं तो आपने काफी सारे कार्टून्स को अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा, और हम कार्टून्स को देखते हुए ही बड़े हुए हैं। और जहां तक उम्मीद है, आप में से आज भी ज्यादातर लोग कार्टून्स देखना पसंद करते होंगे दोस्तों। लेकिन कुछ कार्टून्स ऐसे हैं जिन्हें कुछ देशों में विवाद होने के कारण इन पर बैन लगा दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कार्टून कहाँ और क्यों बैन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 5 पर आता है शिनचैन कार्टून, जो कि बचपन में हमारा सबसे फेवरेट कार्टून हुआ करता था। भारतीय टीवी चैनल हंगामा पर दिखाए जाने वाले मशहूर कार्टून शो शिनचैन को 2008 में भारतीय टीवी पर से बैन कर दिया गया था, क्योंकि शिनचैन इस शो का मेन कैरेक्टर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और अब्यूज एक्टिविटी करता हुआ दिखाई देता था। साथ ही इस कार्टून शो के कई सीन बेहद ऑब्सीन थे, जो कि टीवी पर नहीं दिखाई जा सकते थे। इसी वजह से काफी समय तक इस कार्टून पर बैन लगा रहा। नंबर 4 पर आता है काउ एंड चिकन कार्टून, जो कि इंडिया में कार्टून नेटवर्क चैनल पर दिखाया जाता था। इस शो का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार था कि इसमें एक चिकन और काउ होती थी। इस शो पर बैन लगने का कारण इस पर दिखाए जाने वाले ग्रोस जोक्स और सेक्सुअल इन्यूएंडियोस यानी घोर चुटकले और यौन सहज ज्ञान की वजह से इस पर बैन लगा दिया गया था। कार्टून में गाय का कैरेक्टर अक्सर हिंसा के रूप में दिखाया जाता था, क्योंकि गायों को हिंदू धर्म में पवित्र कहा जाता है। इसलिए इस कार्टून को पवित्र जानवर का उपहास माना जाता था। इस वजह से इंडिया में इसे हटा दिया गया। नंबर 3 पर आता है पेपा पिग, जो कि बच्चों का एक फेवरेट कार्टून हुआ करता था। इस प्यारे से कार्टून को एक एपिसोड के बाद बैन कर दिया गया था, जहां इसमें दिखाया जाने वाला पिग एक मकड़ी के साथ रहने लगता है। लोगों का मानना था कि ये कार्टून दुनिया को कीड़ों से फ्रेंडली होना सिखाता था। इसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए जहाँ 10,000 से अधिक मकड़ियों की प्रजातियाँ रहती है, और वहाँ के बच्चे मकड़ियों के डर से बेखौफ थे, जिस वजह से वे जहरीली मकड़ियों से नहीं डरते थे। जिसके बाद इस एपिसोड के साथ साथ इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बैन लगा दिया गया। नंबर 2 पर आता है टेल स्पिन कार्टून, जो कि अपने टाइम में एक बहुत फेमस कार्टून हुआ करता था। इसमें एक भालू होता है जिसका नाम बालू होता है। इसका एक एपिसोड पूरी दुनिया में बैन है। इसके एक एपिसोड में बालू को एक गिफ्ट के साथ एक बॉक्स ले जाना था, जो कि उसमें एक बम था। इस शो में साजिश के अनुसार देशों में लड़ाई को दिखाया गया है कि कैसे एक पांडा आगे के हमले के लिए खोए हुए शहर को ढूंढने के लिए भालू को मारते पीटते और तंग करते हैं। इसे देखकर सबसे पहले अमेरिका और जापान में बैन किया गया, जिसके कुछ समय बाद पूरी दुनिया में। नंबर 1 पर आता है विनी द पू कार्टून, जिसमें एक शहद को सबसे ज्यादा पसंद करने वाला पांडा होता है। जुलाई 2017 में इस कार्टून को चीनी सरकार द्वारा चाइना में बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसमें दिखाए जाने वाले पू को चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रूप में दिखाया गया था। इस कार्टून के पू और शी जिनपिंग राष्ट्रपति से रिलेटेड काफी मीम भी बने, जिसके चलते वहां की गवर्नमेंट नाराज होकर इस शो के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया, जिसके बाद इसे हमेशा के लिए चाइना में बैन कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ कार्टून जो की विवादों के पीछे बैन कर दिए गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।